आप मैं परिचय करा दूं पहले जी। ये तो सब अपने भाई बंधु चाचा सबसे करेंगे। इधर आप सुधीर त्यागी जी हैं, ग्रेटर नोएडा रहते हैं और अभी फिलहाल ओलंपिक कला दिल्ली में रहते हैं, बट मूल निवास स्थान ग्रेटर नोएडा के पास में, गांव मकसूदपुर है हमारा, जेवर विधानसभा में पड़ता है। माला है, माला माला लिया। माला लिया। माला। ये रामकिशोर त्यागी जी, रामकिशोर त्यागी जी हैं, शिक्षा क्षेत्र से हैं, दो स्कूल भी हैं इनके, मेरठ में, दिल्ली में, सियानी के रहने वाले हैं। अच्छा, सियानी है। और हमारे महामंत्री हैं। हाँ जी, सियानी मोहटा दिल्ली में रहते हैं फिलहाल, अपने स्कूल चल रहे हैं दो तीन। ये विजेंद्र त्यागी जी हैं, सभी जाने ये प्रधान जी हमारे सरदना है, मेरठ में सरदना, बेगमाबाद गांव में, बेगमाबाद सरदीप त्यागी जी हैं, ये ग्रेटर नोएडा पास में रहते हैं, ये उनके बेटे हैं वीरेंद्र जी के, उधर की तरफ से नाम सर तुम्हें करो इसे स्वागत करता हूँ। लो लो आप चाहिए सर आपको जी आ जाओ कोई बात नहीं सर तो इधर आ जाओ आगे आ जाओ ये पास में जमुना पिछड़ा हमारे दो गांव साथ में देखे भारत जी खूब देखा है ना जी जी चला ना पंकज वो चला गया नहीं अकेले ये भी कुशल जी ये भी एक बढ़िया सौभाग्य है हमारा भी सर सर कृपया कर दिया थैंक यू सर थैंक यू तो देख के पहचान लिए नाम ध्यान नहीं आ रहा बहुत देर से लगा रहा आप लोग ऐसे खड़े हो जी आप भी माला फॉर्म ले हां जी हां जी रान जी आप भी गए हो कहीं चला तुम्हारा मेरा गुड्डू क्या की हां गुड्डू क्या की तो बहुत दिन में जरा मामला आया कोई काका सर नहीं दो आप एक इधर मुंह करो लाओ तुम भी खड़े हो आओ इधर आओ इधर आओ प्रधान जी आओ उधर देखो पहले मुझे ये बताओ किसानों गाँव में 6,000 रुपये मिल रहे हैं पक्का एकदम चलो 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 बहुत आप प्रधान जी ये 1983 के प्रधान जी हैं हमारे आपका क्या नाम है मोहम्मद रफी इधर आओ मोहम्मद रफी है तुम्हें मिल रहे 6,000 रुपये अभी ना मिले तो बारात में फार्म क्यों ना मिल रहा शिकायत करी प्रधान जी क्यों मिल रहे हैं यही पूछ रहा हूँ डर जाओ अभी अभी तुम्हारा सबका नहीं नहीं वो सुनेंगे सुनने के लिए आए हैं बताने के लिए आए हैं सुनने के लिए भी आए आ जाओ दूसरे आ सके आओ दूसरे ले लो ठीक है राम अरे आ जाए चलियो सो बेटा ये बुजुर्ग आदमी है मैं आऊंगा इधर और एक मिनट क्या नाम है आपका
आप इधर आ जाओ, इधर आओ, कुर्सी वाले वाले यहाँ आ जाओ, खुल दीजिए, आप इधर आ जाओ। बिल्कुल अच्छा, हम तो अभी यहाँ अमरोहा आए हुए थे, थोड़ा नहीं बताऊँगा, अभी जादू से बात करते तो भी पता लगता है। सभी को मिल गया आपने? जी हाँ मिल लिया, पढ़ लिया है? ना कभी ना पढ़ लिया कुछ, ना कोई घर पढ़ेंगे। देखो पढ़ाने का मतलब ये है, जैसा इन्होंने बताई है कि क्यों ना मिल रहा है, फार्म भरने में कह रहे हैं। प्रधान जी क्या कमी रह गई? ये कभी तो लखनऊ का हुआ है, यहाँ से सब कुछ ठीक है। अच्छा, कुछ कागजों में गड़बड़ की, किसी का अकाउंट गड़बड़ हो जाए, किसी के कुछ हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है, जितनी इसमें योजना है, अब जैसे गो बालक के लिए वो दे रहे हैं लोन, कोई लाभार्थी है यहाँ जिसने डेयरी के लिए पैसे लिए? कोई है? लिया नहीं ना, लिया उसने ट्रैक्टर के लिए लिया है किसी ने? ट्रॉली के लिए लिया है किसी ने? तो लिया नहीं है ना, लेकिन योजना है। तो इसलिए आपके बीच में आया, अभी शुरू करेंगे। हमारे महामंत्री रामकिशोर त्यागी जी, आप बैठ के समझा दो, बैठे ये सब बता दे, खड़े को बोल दो। बाद में बोलोगे आप? नहीं, मैं बात इस पे बता दो, इस पे मैं बता दूँ। अध्यक्ष का फोन कर रहे हैं हमारे, तो आप अध्यक्ष आप भी हो? आज इस जमुना कौन सा दूसरे बराबर में तो गांव है, जमुना बछेड़ा के नाम से पश्चिम साइड में 2 किलोमीटर की दूर है। आज यहाँ जमुना बछेड़ा गांव में पहली बार आने पर यहाँ उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को नमस्कार, और आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस छोटे समय में ही कुलदीप जी से बात हुई, जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज के इस सभा की, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ, कुलदीप जी को बधाई देता हूँ। हमारे साथ में दिल्ली से चलकर आए रामकिशोर त्यागी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इस किसान कल्याण परिषद के और बीजेपी के नेता भी हैं, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रहे भाई विजेंद्र त्यागी जी, राष्ट्रीय सचिव हैं, और हमारे हमेशा दुख सुख में साथी बेगमाबाद से नरेंद्र प्रधान जी, और बहुत पुराने साथी दुष्यंत त्यागी जी, और हमारे बहुत आशीर्वाद मिला, क्या नाम है इनका, भारत सिंह जी, दिल्ली तक गए बस लेकर, भाई जब ध्यान होगा तालकटोरा में स्टेडियम में करा 98 में, तो यहाँ से 10-15 बस गए लेकर, गुड्डू त्यागी जी बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कार्यकर्ता हम बीजेपी के ही, मैं 11 साल लगातार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कार्यालय पर भाई रहा हूँ किसान मोर्चे, और उसी के चलते हमें किसान कल्याण परिषद की बनाने की जरूरत पड़ी, कि हम संगठन में रहते हुए अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे थे, एक लिमिटेशन होती है जाने की, कि कहाँ अध्यक्षीय पार्टी होती है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। अब हमने एक संकल्प लिया है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर 17 सितंबर को दिल्ली में एक योजना बनाई, और हमने एक ट्रस्ट का गठन किया जिसका नाम है किसान कल्याण परिषद, किसानों को समर्पित, गरीब को, मजदूर को समर्पित। हमने इसका गठन करा, और कम से कम ये 130 हैं जो हमने सिर्फ किसानों के लिए 30 लिए,
130 योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और यशस्वी प्रधान हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और पूरी राज्य सरकारों में पूरे देश में सभी के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, सभी के लिए एक साथ योजना को सकल देखते किसी की नहीं है। सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ। अब जैसा राशन तुम्हारे गांव में बट रहा होगा, तकरीबन सबको मिल रहा होगा, कोई किसी का सकल देख कर नहीं मिल रहा। तो इसलिए योजना ये है माननीय प्रधानमंत्री की, किसान जन कल्याण योजना का संकल्प लेकर गांव-गांव तक पहुंचाने का हमने ये किसान कल्याण परिषद बनाया है और इसके द्वारा हम गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुलदीप जी के माध्यम से ये पहला हमारा, अभी पीछे संबल में भी आए थे हम, दो चुचलार वहाँ भी आए थे, पीछे कर गए थे। तो जैसे जैसे भी टाइम मिलता है जहाँ जहाँ का, तो हम जाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इतनी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान भाई मेरे बैठे हैं, अगर ये सब ने पढ़ ली और जाके पाँच आदमी को बता दिया तो कम से कम 5,000 आदमी का कल्याण हो गया। अब देखिए, पहले बिजली कितनी आती थी, 8 घंटे कितनी आती थी बताओ, 8 घंटे 7 घंटे, अब कितनी आ रही है, 20 घंटे आ रही है। भाई थोड़ा बहुत बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन आ तो रही है ना, 20-25 घंटे चल रही है। तो कहने का मतलब ये है, सोलर पंप आप लगाना चाहते हो तो 70% की सब्सिडी सोलर पंप पे है, सोलर पंप सिंचाई के लिए। और पशुधन मतलब गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, मुर्गी के लिए, मधुमक्खी पालन, शहद के लिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है कि जिस पे सरकार लोन ना दे रही है। रेहड़ी पटरी वाले के लिए, दुकानदार के लिए, मजदूर के लिए, मतलब सारी इसमें कल्याणकारी योजना है कि जो आज तक यहाँ तक हम हमारे नौजवान के लिए, किसान के लिए नहीं पहुँच पा रही हैं, उसको हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग मेरे ख्याल में यहाँ कुछ धरने वरने का सर है ना, यहाँ कोई हमारे गांव में कुछ लोग नहीं, गांव में नहीं, आसपास। कहने का मतलब ये है कि जो इस देश के अन्नदाता को, भोले भाले को, कुछ लोगों ने, कम लोगों ने मतलब बहका कर वहाँ ले जाके 1-2% को बैठा दिया है, तो किसका नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, नहीं किसानों का नुकसान हो रहा है, जो भी 10 लोग जा रहे हैं। अब गन्ना छोलने का टाइम है, गेहूँ बोने का टाइम है, धान काटने का टाइम है, सरसों बोने का टाइम है, आलू बोने का टाइम है। किसानों की तो बात ही नहीं कर रहे, किसानों की बात नहीं कर रहे, किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, एक मिनट भाई साहब, कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी कि ये कानून 18 महीने लागू नहीं हो, तो इस तरह का आदेश हो गया, कोई लागू कर सकता है? बैठ जाओ कुलदीप, बैठ जाओ। उसके बाद आइए, अब सरकार इस दिन आदेश के बाद सरकार ने भी बता के रख दिया कि भैया जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ गया कानून लागू नहीं होगा। अब वो कहते हैं जी MSP लागू हो, जिस पे सारी दुनिया भरोसा करती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, वो कह चुके हैं कि MSP है, MSP रहेगी, MSP है, MSP रहेगी। अब उनका फंडा क्या है, अगर वो किसानों कहते ऐसी हो, तुम्हारे यहाँ भी बारिश हुई है ना, धान भीगे होंगे ना, खराब भी होंगे ना, उस खराब को कौन 1940 रुपए लेगा, पहले मुझे बता दो आप। अगर बाजार में लेकर जाओगे तो वो तो लेगा नहीं, क्यों लेगा जब कानून बन गया, तो बनिया तो जेल तो जाएगा नहीं। तो ये जो प्रोपगंडा चल रहा है, आरती बैठे हैं वहाँ, पंजाब के आरती बैठे हैं, किसान नहीं बैठे हैं। तुम्हारा जो धान भीग गया उसे सरकार कैसे लेगी, कौन खाएगा? अगर उसको 1200 में 1400 में 1500 में खरीद तो रहे हैं आरती, लेकिन जब MSP बन जाएगी, कानून ये लिखित में हो गया कि सजा हो जाएगी, कौन खरीदेगा बताओ मुझे? किसान घर में रख सकता है क्या? नहीं, बताओ किसान घर में रख सकता, किसी की ताकत है? अगर किसान पे धरने की साधन हो, दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन हाँ, मोदी सरकार ने एक और योजना, ये यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बैठे होंगे, FPO, एक FPO बनाने की स्कीम बनाई है, जैसे कॉर्पोरेट सोसाइटी होती थी पहले, जो कांग्रेस लेकर आई थी। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, FPO लेकर आई है। तुम्हारे गांव में 300 किसान हैं, मैं 300 की बात कर रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्र में 100 और लेवल पे 300 किसान होने चाहिए जो अपनी कोऑपरेटिव बनाओगे। उसके बनाने के लिए 300 के कितने हुए, 2000 के हिसाब से कितने लाख हुए, 6 लाख,
6 लाख उसमें मिलाएगी सरकार, 6 लाख रुपए सरकार मिलाएगी। आप अपने उस पर जाइए, केंद्र पर जाइए, जिला केंद्र पर जाइए, अपने ब्लॉक में जाके बात करिए। एफपी के लिए हमारे यहाँ जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी का, उससे मिलिए, किसान मोर्चे के से मिलिए। एक एफपीओ की स्कीम है, 12 लाख रुपए जमा होगे, वो होगे जमा उन्हें तुम्हारे, और तुम ही मेंबर रहोगे सब, तुम ही डायरेक्टर रहोगे, तुम ही चेयरमैन रहोगे। और उसमें रख रखाव के लिए जब तक आपकी एफपीओ चलेगी उसमें 30,000 रुपये महीने जो लड़का काम करेगा कि बैठ के क्लर्क का, उसका भी सरकार पैसा देगी। गोदाम बना लेने के सरकार पैसा देगी। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फूड कॉरपोरेशन एक इंडिया का गठन करा, नए उसका जो पहले एफसीआई में ही मर्ज होता था, अब के अलग से बनाइए, उस पर आप फूड प्रोसेसिंग के लिए 12 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, जिस पे 35% सब्सिडी सरकार दे रही है। ये नोट कर लेंगे एक चीज़, 35% सब्सिडी सरकार दे रही है। तो किसान के जो बच्चे बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, सबको गांव में रोजगार मिलेगा, और सबको अपना जो अब जैसे कह रहे हो कि जी बाजरा बेचना, बाजरा होता नहीं है, कम होता है, कम होता है, मतलब गन्ना ही है ज़्यादा, तो गन्ना के 350 कर ही दिए, मील चल गई है, पर्ची आ रही है, मेरे ख्याल में बकाया थोड़ा बहुत बच रहा होगा, पैसे मिल गए, सब मिल गए ना तकरीबन। मैं कह रहा हूँ कहीं शिकायत भी आई एक दो जगह, तो एक आध दो महीने का शायद कोई प्राइवेट कंपनी ने या उसमें तुम्हारे यहाँ सबको पैसे मिल गए ना, तो उसमें क्या हुआ है कि उसके लिए भी कार्रवाई करी है माननीय योगी आदित्यनाथ ने, पता होगा सारे को जेल भिजवाया। भ्रष्टाचार पे 114 कर्मचारी हैं जो फेल करना चाहते हैं, उनको जेल में सस्पेंड कराया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस भाइयों इन योजनाओं को आप पढ़ें और लागू करवाने के लिए, मैं कह रहा हूँ आपका विधायक है, आप कहिए भाई ये एक किसान कल्याण परिषद के वो आए थे, ये हमें दिवा कहाँ है ये बता, नहीं समझे बीजेपी कोई आया तुम्हारे बीच में ऐसे लेके, किसी ने बताया है ना, नहीं बताया आप ये जेब में रखो पर्चा, ये बता ये फर्जी है नकली है, अन्य जो पढ़ा लिखा हो वो दबाना, कृषि मंत्रालय पे जाना और वेबसाइट पे दबाना, अन्य तो हमारा नंबर भी लिखा हुआ उसको फोन मिलाना, उनके बात कर ले भाई आए थे, ये नंबर लिख रहे हैं नोट कर लेना सारे, फोन नंबर भी दे रहे हैं, वेबसाइट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जो प्रतिनिधि आए बीजेपी का बड़ा नेता है, जिला अध्यक्ष आए, ये बता भाई लागू बकवा वाला कहाँ है, ये दे मैं स्कीम, तो जिस भाई को लोन चाहिए लोन मिलेगा, जिस भाई को अपने एफपीओ बनाने, एफपीओ में क्या करना है, तुम्हारा हुआ 5 कुंटल, मेरा हुआ 2 कुंटल, क्योंकि आज ई सारी मंडियां पूरे देश की मिला दी हैं और खोल दी हैं, कहीं बेच सकते हो आप, तुम ले जाके कन्याकुमारी से कश्मीर बेच लो, कश्मीर से कन्याकुमारी बेच लो, नहीं समझे, और राजस्थान के बॉर्डर चले जाओ आसाम में बेच लो, लेकिन बेचो कब, जब ट्रक का भर्त होगा जभी तो बेचोगे। तो इसलिए एफपीओ बनाने का काम करो, 300 किसानों का समूह बनाओ, और एक नहीं पैसा गवर्नमेंट देगी, इससे बेफिक्र रहना कि कौन खरीदेगा, तुम्हारे माल जिस भाव का रखोगे गोदाम में इकट्ठा करके उसका गवर्नमेंट पैसा देगी, वो पैसा उसको जमा करा दो, जो प्रॉफिट आया सब बांट लो, ये बेचने की जरूरत नहीं है कि अमरुआ में मंडी में बनिया लेगा ना, कहा दो जी 1700 रुपये ना दे रहे भाई, हम तो ट्रक भर के भेजेंगे महाराज, 2200 बेचेंगे, नहीं समझो। तो ये समझने की बात है भाइयों, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ये जो भोले वाले किसान को, भोले वाले किसान को जो गुमराह कर रहे हैं उनके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ, मैंने कही है कई बार, मन की मेरे साथ चलो इस कापी को लेकर, आप धरना क्यों दे रहे हो, किसान के हित में काम करो, किसान से कहो भैया मिल रही है नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है, अधिकारी की वजह से ना मिल रही तो उसको पकड़ेंगे, किसान की वजह से नहीं उसको समझाएंगे कि भैया ये बटन दबा, ये चाहिए फार्म भर, बिगर गारंटी के लोन मिल रहा है, मेरे ख्याल में क्रेडिट कार्ड पे भी 3-4 लाख रुपये कर दिए हैं, जो उत्तराखंड आया पेपर में 3 लाख, नहीं यहाँ भी 3 वही कर दिया, ब्याज के कर रहे उत्तराखंड वाले, वो तो चुनाव आ रहा कर देंगे, मैं कह रहा हूँ किसान है ना, मैं कह रहा हूँ इस बार की मांग करके हम एक मांग कर रहे हैं, हम ना कर रहे मांग, नहीं नहीं मांग नहीं हम कर रहे हैं, आपकी आपके माध्यम से हम कर रहे हैं, किसान के बेटे हम किसान हैं, हमारे किसान कल्याण पर हमने मांग करी है, किसान को ना तो कोई अनुदान चाहिए, ना किसान को कर्ज माफ चाहिए, किसान की शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दो, किसान के बेटे को फ्री पढ़ा दो, किसान का फ्री इलाज कर दो, मैं कह रहा किसान को मत कर दो कर्ज माफ, एक के माफ होते हैं 50 के माफ जाते हैं, मैं कह रहा हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य दो हमें फ्री,
बच्चे की पढ़ाई दो, और जो गांव का, तुम्हारे गांव में टंकी का पानी आया नहीं आया, अभी चल रही है स्कीम पूरे देश में, प्रधानमंत्री जल योजना चली हुई है, पाँच पाँच सात सातों गांवों को जोड़ के टंकी बना के गाँव गाँव में पानी का काम कर रहे हैं। देखिए गांव में बिजली आ जाए, पानी आ जाए, स्वास्थ्य आ जाए, शिक्षा आ जाए, कोई गाँव से बाहर जाएगा है? जो आधे गांव में मैं देख के आया ताले लगे पड़े हैं, को चला जाएगा बाहर है? मैं भी मकसूदपुर छोड़ के दिल्ली पहुंच गया रोजगार के, उसमें अब मेरे यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है जेवर है, तो मैं उधर गुना भागूंगा है? मेरे ख्याल में यहाँ के नौजवान भी जाएंगे, बढ़िया बड़ी कंपनी आएंगी तो नौजवान भी उधर को चलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम करो, कोई भिखारी नहीं है किसान, सबकी फैक्ट्री बंद हो गई, सब दिवालिया हो गए। डेढ़ साल कोरोना काल में अगर किसी की फैक्ट्री चली है वो है किसान, पूरे देश को खिलाया किसान ने, अन्नदाता ने पूरे देश को खिलाया, पूरे देश के सबकी फैक्ट्री बंद हो गई, सबके रोजगार बंद हो गए, लेकिन गांव ने थाम दिया सबको, चलो गांव की ओर, हमने एक नारा और दिया चलो गांव की ओर, उसमें भाग भाग के आए ना, किसी पर नाज नहीं था, सबने तुमने मदद करी ना गाँव में है। तो किसान हमेशा समर्थ रहा है। देखिए आज मेरे ख्याल में जो बूढ़े बैठे हैं बुजुर्ग, में मेरी भी 60 साल 61 साल की उम्र की, आपको पता होगा अब भी शायद जो गांव में वो टहलुआ रह रहे होंगे, टहलुआ ही बोलते थे ना पहले, नाई, धीमर, कुम्हार और धोबी, लुहार, बढ़ई, किस पे खाते थे? किसान के साथ थे ना। तो कितने आदमियों को पालता था किसान? 10 आदमियों को पालता था ना जब एक गाँव बनता था। तो ना किसान पहले मजबूर था और ना किसान आज मजबूर है, किसान बाद में खाता है, पहले देश को खिलाता है। कई लोग कह देते हैं पैसे देते हैं, अरे पैसे तो हम भी दे के आते हैं, अभी कपड़ा किसी से खरीद के ले आ रहे हैं, पैसे दे के आ रहे हैं ना है? लेकिन जो बना रहा है उसका शुक्रिया ना। और किसान एक काम और करता है, सबसे बढ़िया को मंडी भेजेंगे, सबसे खराब खाएंगे, बढ़िया को तो खिलावे हैं हम है? ये बता दो आप, घटिया को तो बच्चों को रखे हैं और बढ़िया बढ़िया छांट के बेचते हैं मंडी का, भाई इसके अच्छे दाम मिल जाए। तो गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और आपको बता देता हूँ, वोट मांगे नहीं है, वो तो जिसने बढ़िया काम करा होगा उसको वोट दोगे आप, नहीं समझे? लेकिन मैं आपके बीच में आया हूँ अपने अधिकार मांगने के लिए, आपको जगाने के लिए, अपने अधिकार मांगो, सड़क पर मत बैठो, सड़क पर तो गुमराह कर रहे हैं वो गाँव में आके ये कहें इतनी योजना लागू करवाओ। एक बात राकेश टिकैती मेरे साथ उस पर बैठे थे डिबेट पर, आज तक क्लिप हैगी, मतलब ये तो माध्यम लाइव चल रहा है, क्लिप हैगी। मैंने कहा महात्मा जी एक बात बता दो, महेंद्र टिकैत इतने बड़े नेता थे हमारे किसानों के, भाई जाते थे सारी, त्यागी भी जाते थे, ब्राह्मण भी जाते थे, जाट भी जाते थे, ठाकुर भी जाते थे, सभी जाते थे, सब जाते थे, सब मानते थे, क्योंकि वो सबकी बात करते थे। मुसलमान भी जाते थे और ईसाई भी जाते थे, पंजाबी भी जाते थे, कोई रहता नहीं था, सब भी जाते थे, क्योंकि किसानी कोई जात नहीं है, किसान की कोई जात नहीं है, किसान तो सब जातियों में, किसान की कोई जात नहीं, किसान की एक ही जात है, किसान, किसान और सिर्फ किसान। मन की भाई एक बात बता दो हमें टिकैत साहब, बीजेपी में काम हुआ कि नहीं हुआ? तो कहा हुआ तो है, मैं जोर से बोलो हुआ है, कितना हुआ? नहीं भाई त्यागी जी आप भी किसान के बेटे हो, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इस बात को नहीं कर रहा, मैं भी किसान, आप भी किसान, वो छोड़ दो, अब बैठे हम किसानों के उसके लिए मांग के लिए, कुछ हुआ है कि ना ये बता दो। नो हाँ पूरा ना कुछ तो हुआ, मैंने हुआ है ना भाई, अब क्या हो गया जो बहन से, तो अब ना हुआ हो, अब कोई ये पूछने वाला हो कि अब फंडिंग हो गई, फंडिंग अब फंडिंग हो गई है, और वो कर दी पंजाब के आरतियों ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जितने भी ये निकम्मे घूम रहे हैं उनकी फंडिंग हो गई नहीं, 4 से 5 दिन में, माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े नेता हुए वो महात्मा टिकैत जी, किसानों के 4 से 5 दिन उनका आंदोलन नहीं चला था, अब से पहले राकेश टिकैत का 1 हफ्ते का आंदोलन नहीं चला था, रात को आवे सुबह भाग जावे, लेकिन अब के फंडिंग इतनी कड़ी हो गई है कि उसने किसानों को बर्बाद करने का ठेका ठा लिया। तो लड़ाई लड़नी चाहिए किसान को आबाद करने की, वो लगे बर्बाद करने पर। दिल्ली में किसके बेटे रह रहे हैं? आपके बेटे नहीं रह रहे जो हम ये दिल्ली से आके आपके बीच में बैठे हैं, आपके बेटे हैं ना है? जो वहाँ 100 भाई बेटे भतीजे हैं तो सब आपके ही, जो दिल्ली में है, जो जवान है सीमा पे, वो है तो किसान का बेटा ही, पुलिस में किसान का बेटा ही है ना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दूध, जो सब्जी, जो अनाज बॉर्डर सील होने की वजह से दिल्ली में पहुँच रहा है, वो जो 100 रुपये में खरीद रहे हैं 9 रुपये की चीज़, वो किसका नुकसान हो रहा है? किसानों का नुकसान है ना, यहाँ तो किसान ऐसा लुट रहा है कि भाव नहीं मिल रहे,
और वहाँ किसान बेटे को 9 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। भाई हम गांव में आते हैं, तेल गांव से ले जाते हैं, आटा गांव से ले जाते हैं, दाल गांव से ले जाते हैं, जब आएंगे तो ले कहाँ जाएंगे? तुम बताओ दिल्ली कितने दिन जाने वाले, कौन जाएगा 6 घंटे जाम फंसेंगे? तो इस चीज़ को बिल्कुल धैर्यपूर्वक इन चीज़ों पर ध्यान दो और जो भी समस्या हो जनप्रतिनिधियों को बताओ। अब जो भी आपकी सबकी कोई समस्या ऐसी हो कि जो यहाँ जिले स्तर की हो तो प्रधान जी हैं, गांव की बातें ये बताएंगे, इनसे ही पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि टेक्निक वैसे किसी को ना मिल रहा हो। लेकिन ये सारी चीज़ मोटा मोटी ये है कि आपके यहाँ किसी ने लोन वोनर ही लिए नहीं है, मोटा मोटी बात। मकान के पैसे तो आ रहे होंगे, जो मकान बनने उनके आ रहे हैं भाई, जितने भर के दिए होंगे तो आ ही रहे होंगे, मकान के पैसे आ रहे होंगे जिसके, अरे जिसने भरे होंगे। अब ये बताओ इनके प्रधान जी कैसे आ जाएंगे? अब उन्होंने बताई क्या नाम हुआ आपका? टीकाराम त्यागी जी है, सुनो तो सही। अब 60 बीघा जमीन उन्होंने बता दी। तो वैसे तो ये ऑर्डर है कि किसी के पास 1 बीघे है तो, 60 बीघे है तो, 100 बीघे है तो सबको 2000 रुपये सम्मान निधि मिलेगी। इसकी हम जांच कराएंगे आपको क्यों ना मिल रही है। आप अकेले के नाम पे हैं या कोई इनकम टैक्स वगैरह भी देते हो? इनकम टैक्स वाले को ना मिल रही है, नौकरी वाले को ना मिल रही है। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो इनकम टैक्स, हमें इनकम टैक्स दे रहे हैं हम तीनों भाई, हमें नहीं मिल रही, हमारी घरवाली दे रही है हमें ना मिल रही। अब हमारा जो ताऊ का लड़का है पुलिस में उसे नहीं मिल रही, दूसरे मिल रही मुझे, तू नौकरी कर रहा? तो इस तरह की कोई परेशानी तो अलग बात है, और कोई हमारे फार्म भरने की वजह से, कोई खतौनी की वजह से नहीं मिल रही है, वो चीज़ अलग है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है खुशहाली की तरफ किसान है। और देखो उसकी बात उठाओ, जब आप खेती करते हो गए पहले, हम मैंने भी करीब 2 साल में फेल हो गया 10वीं में, पिताजी हो गए बीमार, 75-76 की बात कर रहा हूँ, जो नसबंदी चली थी वो, तो उन्हें भी वो जो केस मांग रहे नसबंदी करानी पड़ गई, जब पिताजी बीमार हो गए, सबसे बड़ा मैं था, पता उस टाइम कितने गेहूँ होते थे 100 बीघे 100 मन सोमनी हो गए ना, तो आज 10 बीघे का सोमन काट रहा है, तो तरक्की हुई है ना, हुई है भाई, लागत बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है ना। और जो 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसान की आय दुगनी करूंगा, अगर इसको लागू करवा लो आप, ये जो तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, अगर चौगी ना हो जाए तो मुझे पकड़ लेना आकर, लेकिन ये आपको पढ़नी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी अकेली। अब मेरी सुनो भाई, गन्ना इतना क्यों बोल रहे हो? बागवानी करो, है पेड़ लगाओ, औषधि की हो रही है, जो सब बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, जो कह रहे हैं ना वो ठेके में ले लेंगी, मेरे ख्याल में जितने कुलदीप जी बाहर हैं और कई लोग बाहर हुए, सबने ठेके में दे रखी है, बटाई दे रखी है, वैसे ज्यादातर बटाई पर ठेके पे है ना, ज्यादातर जो बाहर रह रहे हैं ज्यादातर बटाई पे या ठेके पे या उन पे, या तो गांव में ही किसी ने कब्जा कर लिया, कोई कब्जा कर लेगा? तो इन्होंने फैला रखी है कॉन्ट्रैक्ट फार्म, अरे कॉन्ट्रैक्ट तो बढ़िया है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिक्कत है, चद्दर तान के सोएंगे आ कंपनी, अरे ले तो जब जाएगी जब हमें दे जाएगी, है तो एक अफवाह फैला दिए। तो ये बहकावे में ना आके इस पे काम करो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है, योगी आदित्य जी का सपना है कि ये किसान खुशहाल हो, किसानों की सरकार मोदी सरकार, बोलोगे जब भी तो किसानों की सरकार, किसानों की सरकार, किसानों की सरकार, जय जवान जय किसान जय हिंद। हाँ अब बोलो, बताओ कुछ है भी नहीं। हाँ पहले बताइए, पहले आप बोलो मैं बताऊंगा। हाँ सुनने के लिए आए। हाँ बताओ, हम ये कहना चाहते हैं पहली बार हाँ बोलो, माता हमारी कम से कम 10 साल हो चुके हैं। हाँ लेकिन उनके नाम से जो है पेंशन नहीं बनी है। हाँ लेकिन यहाँ क्या होता रहा है, लेकिन वहाँ पैसे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन जब मजदूर आदमी का कहाँ तक करके देगा, और जितने बार जमीन में नहीं वो क्या करेगा बताओ? अब तुम्हें काम करा रहे हैं, सुनो सुनो प्रधान जी, पेंशन क्यों ना मिल रही इसकी माँ बूढ़ी है, अरे बता ये तो कह रहे हैं पेंशन थी कट गई, पहले थी पेंशन नहीं थी, पेंशन
पहले थी अब नहीं बनी। तो उसकी बता प्रधान जी को फार्म भरवा के बनाएगी। इनके कार्यकाल में नहीं है। एक बार बता रहा, दूसरी बात बता रहा, इनके कार्यकाल में नहीं है। प्रधान जी, प्रधान जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं एक मिनट में जवाब दे रहा हूँ। यहाँ भैया, पहले मजदूरी थी 200 रुपए, ठीक है, अब होगी मजदूरी 500 रुपए। मतलब यहाँ कम होगी, मतलब भाई जहाँ वो करने जा रहे हैं 350-350 तो यहाँ भी होगी। पहले मैं सही बता रहा हूँ, 300 तो है। और सुन भाई, रोजगार ना मिलना, काम करने वाले ना मिले, मेरे साथ चल। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब तो काम करने वाले नहीं मिल रहे। अब तेरी पेंशन प्रधान जी बनवाएंगे, ठीक है, अब तेरी नौकरी हम लगवाएंगे। और बता, तेरा काम पक्का है? हाँ जी, बताओ। मोदी सरकार जिंदाबाद। एक मिनट, एक मिनट और सुनने दो, बैठो। अभी अभी पूछ ले और किसी की बात हो तो। अब ये बोलेंगे तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुधीर जी का, उन्होंने इतनी जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी जो इस पेपर में है। जैसा कि बताया, इसमें तो कुछ ही दी हुई है, ये तो मैन है। 130 योजनाएं हैं जो कि किसान और मजदूर के लिए हैं। दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ को पता होता, उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर आगे नहीं बढ़ते। और कुछ जो है चीज़ें ऐसी हैं कि वो डरते हैं। अभी एक डर का माहौल है कि अगर लोन ले लिया, लोन लेके कोई काम स्टार्ट कर दिया। हाँ, वही तो गलत है। पहले ऐसे केस हुए हैं जो मैंने भी देखे हैं कि किसी ने अगर लोन ले लिया और वो दे नहीं पाया तो उसकी पिटाई भी करते थे, उसका सारा सामान भी ले जाते। तो एक डर का माहौल बना हुआ है। बट ये एक अभी जो बता रहे हैं सुधीर जी कि जो ये गवर्नमेंट है, ये लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने पैरों पे चलाना चाहती है। नौकरी देने वाला बनो, नौकरी लेने वाला ना बनो, यही नारा, यही एक नारा है। इसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जैसे बात है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जो बात थी, अभी हम बीच में डिस्कस करते आ रहे सचिन जी के साथ में, कि आज की डेट में मैं एक बार चाइना गया था और वहाँ वो बुलेट ट्रेन में बैठ कर गया, तो आप देखिए 800-900 किलोमीटर तक ट्रेन के दोनों साइड में पोली फार्मिंग थी, कोई भी खुला खेत नहीं था। उसका फायदा यह है कि कोई जंगली जानवर, कोई आपके कौवे और जितने भी पंछी होते हैं, या किसी तरह की बारिश वगैरह, कोई नुकसान नहीं होता। जो आप सोच रहे हैं कि भी इतनी पैदावार मिलेगी, वो इतनी मिल ही जाती है। लेकिन क्या एक किसान यहाँ पर कर सकता है पोली फार्मिंग को? क्योंकि उसमें एक बीघे में करने के लिए 7-8 लाख रुपए लगेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का गठबंधन हो जाता है, जिन लोगों के पास पैसा है, हम लोगों के पास कोई ज़मीन है, उससे गठबंधन हो, भाई हम भी तुम्हारे साथ में हैं, मिलकर करेंगे, तो वो चीज़ संभव है। अदरवाइज अभी किसान के पास संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स की, पैसे की कमी है। तो एक मोदी गवर्नमेंट है, इसी डायरेक्शन में मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। हाँ, इसी डायरेक्शन में ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो उनको बहकाते हैं और उनको जैसे फंडिंग हो रही है उसकी डायरेक्शन में वो काम करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इतनी अच्छी जानकारी दी। अब मैं बता दूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात, बैठ जाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार अब जमीन मॉर्गेज नहीं कर रही है, ये तुम्हारी सबकी जानकारी में भी होगी। और जो भी गरीब लड़का वो कह रहा था काम चाहिए, अगर 10 लाख का लोन चाहिए, ये एफिडेविट बना के देंगे, बैंक में जाएगा तो दुकान खोलने के लिए भी 10 लाख रुपये प्रोजेक्ट आपको देना पड़ेगा। 10 लाख रुपये तक का लोन दुकान खोलने के लिए भी है। उसके साथ आप जो लोन से डरते हैं गाँव वाले, ठीक कह रहे हो, हमने भी लिया था उसके लिए, अंजन के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगते हैं, वो भूमि बैंक होते थे सब जेल होते, उस टाइम तो ऐसा ही था, वो टाइम ऐसा ही था। लेकिन आज की तारीख में, आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, भुक्त भोगी है किसान के बेटे, लिया भाई अंजन के लिए लिया था, बैंक जो पटाई नहीं कई सालों में, जब दिल्ली चले गए जब जाके पटा, सही बात तो ये, वो तो चक्रवृद्धि ब्याज था, तो ऐसी चीज झेली हुई मैं। लेकिन अब बता दूँ आपको कि पोली फार्म की जो बात कर रहे हैं कुलदीप जी, अगर आप पोली फार्म भी लगाते हो तो उसको गैलागैल सरकार इंश्योरेंस कर रही है। जो भैंसों के लिए 10 गाय ले रहे हो, 10 का इंश्योरेंस हो रहा है, बीमा हो रहा है। बीमा तो हो रहा नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, हम मान लिया दूध का रेट तो बिक रहा है किसान का 30 रुपए किलो, खल मिल रही 36 रुपए किलो। देखिए अब ये पैसे कैसे, हाँ तो वो समूह, ये मैं समूह की बात बता रहा हूँ आपको। तुम जो ये मान रहे हो, जो दूध पी रहे हो इसका, पारस का, अब जो दूध अमूल का, ये क्या चीज है? ये प्राइवेट डेयरी है, जो मैं समूह आपको बता रहा हूँ। क्यों बेचोगे 30 रुपए किलो? आपका 2 रुपए किलो का भाड़ा लगेगा जब ले जाओगे ट्रक भर के, आप 70 रुपए किलो बेचोगे ना। हमारे क्षेत्र में जितनी भी डेयरी लगी है, बड़ी से बड़ी डेयरी लगी है, हाँ, हमारे सब वो किलो भी है। नहीं तो मेरी बात सुन लो ना, जब सब कर्जे कर जाओ रहेगा भाई, भाई चांदपुर में
लाला हैं, कन्नू जो हैं, वो बड़े अच्छे उद्योगपति हैं, उन्होंने 2000 भैंस और गाय पालनी, हमें बाजरा वो शहरी बिक्री एक दो में रही ना। अब देखो ये तो अब भाई खेती फेल होती है, अब पारस की अब जो मैं बात कर रहा हूँ उनकी, आम आदमी जो इसी चीज से तो घबराता है कि मैंने लोन ले लिया, अब वो सक्सेस नहीं हुआ वो काम नहीं। अच्छा आप जो कह रहे हैं 300 आदमी का समूह बना लो, 300 आदमी का समूह के परिवार में अगर दो भाई है उन दोनों बनते हैं, अब यही तो चक्कर है, 300 में कैसे बन जाए, कह रहा हूँ इसको कैसे रोकेगा ये बता दो। हमारे गाँव की अभी समस्या है, हमारे गाँव का सेंट्रल नियम जो है चेंज हुआ, त्रिमेडी ग्रुप में पहुंच गया पहले शिवारा नहीं, तो अब उस गड्ढे खोदने पर विवाद हो गया शहरे पर। अरे शहरी फोन क्यों खोल लो भैया, कोई बात नहीं, तो बात घर के ना, ये लाइव चल रहा है, मैं बता दे लाइव चल रहा है, घर का नहीं है ये, तो पंचायत है नहीं, आप तो घर के ना है, अब उसकी बात करेंगे, वैसे अगर समझने की बात होगी समझेंगे, तो उसकी बात चल, तो देखिए डरोगे आदमी एक तो एक माह होती नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो डर गया वो मर गया, मैं कह रहा हूँ ये सारे करोड़पति अरबपति लोन से बन रहे, नहीं लोन से बन रहे।